वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति पैसा तो बहुत कमा रहा है लेकिन उसे मन शांति नहीं मिल पाती। इसी कारण से व्यवसायिक और व्यापारिक लोगों का रुझान अब तेजी से अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा है। इस बात का परिचय मिला है जलगांव जिले के केमिस्ट अर्थात मेडिकल स्टोर के मालिकों को देखकर। दिन रात रोगियों की सेवा करने वाले केमिस्ट भाइयों को एक पल भी चैन नसीब नहीं। ऊपर से न जाने कब ड्रग विभाग के अधिकारी आकर छापा मार दे, ये भय भी निरंतर लगा रहता है। ऐसे में मंदिर जाकर देव दर्शन करना तो दूर, खुद के घर जाकर खाना भी सुकून से ये लोग नहीं खा सकते। मगर बुलावा अगर माता का आया है और माता ने बुलाया है तो फिर बोला कौन सा पुत्र है जो इनकार कर दे। आज आम्ही वैष्णो देवीला निघालोय, एकूण 22 लोक चाललेले आहे। अगोदर अमृतसरला जाऊन तिथे थोडा मुक्काम वगैरे करणार आहे, तिथे मुक्काम ऑर्डर लागेल। केमिस्ट परिवार आणि आमचे मित्र परिवार असे आम्ही 22 ते 25 जण आहे। इसी आस्था के मध्यनजर जलगाव जिले के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा केमिस्ट वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए। जलगांव स्टेशन से निकलते वक्त इन केमिस्ट श्रद्धालुओं ने जोरदार नारेबाजी की, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। इसी के साथ साथ जलगांव केमिस्ट संगठन का विजय हो और सुनील भाऊ बंगाड़े जिंदाबाद, इन नारों के साथ सभी का ध्यान उस ओर खींचा। अध्यात्म प्रेम के साथ साथ केमिस्ट देश प्रेम की भावना को उजागर करते हुए भारत पाकिस्तान सीमा अर्थात वाघा बॉर्डर पर जवानों का मनोबल बढ़ाने भी जाएंगे। कैमरामैन चेतन के साथ मैं आज मोहसिन, इंडिया आप तक के लिए।